ड्राई रन जारी होगा। यूपी के सभी जिलों में ड्राई रन आज से हो रहा है। लखनऊ के 12 केंद्रों पर आज ड्राई रन होगा। 75 जिलों के 6-6 स्थानों पर ये ड्राई रन किया जाएगा। 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन होगा। 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये अभ्यास चलने वाला है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यहाँ पर 6-6 जगहों पर ड्राई रन को किया जाना है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इस ड्राई रन को किया जाएगा। तो ये अभ्यास आज 10 बजे से सुबह 12 बजे तक दोपहर तक चलने वाला है। 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन को किया जाएगा। 75 जिलों के 6-6 स्थान है जिनको चुना गया है ड्राई रन के लिए, जिसमें से 3 शहरी होंगे, 3 ग्रामीण क्षेत्र होंगे। और देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों को इसलिए चुना गया है ताकि दुर्गम जगहों पर, स्थानों पर भी इस ड्राई रन को करके देखा जाए वहां पर क्या कठिनाई आती है, किस तरीके से वहां पर अगर कोई मुश्किल होती है टीकाकरण को लेकर तो कैसे उसे दूर किया जाएगा। इसलिए ग्रामीण इलाकों को भी शहरी इलाकों के साथ साथ चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले जहां पर आज एक साथ हो रहा है ये ड्राई रन 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो देखिए, 75 जिले जहां पर ड्राई रन आज से होगा और 3 शहरी 3 ग्रामीण क्षेत्र जहां पर ये ड्राई रन आज से किया जाना है। 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये अभ्यास चलने वाला है। तो कोरोना टीकाकरण का ये ड्राई रन। और हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं, झांसी, मेरठ, फिरोजाबाद और लखनऊ। सबसे पहले चलेंगे हम मेरठ नरेंद्र के पास। नरेंद्र, मेरठ में क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं 10 बजे क्योंकि ड्राई रन शुरू हो जाएगा वहां पर? देखिए, जो 6 सेंटर हैं जिनमें से 6 अर्बन हैं, 3 अर्बन हैं और 3 रूरल हैं, इन सेंटर्स पर आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा और इस दौरान सारे अधिकारी अलर्ट रहेंगे। खास तौर पे जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य महकमे के हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, वो सब अलर्ट रहेंगे। और जो स्टाफ के ही, जो स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी हैं, उनको ही वहाँ पर जो मरीज है वो बनाकर लाया जाएगा, जिनको टीकाकरण कराया जाना है। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से मॉकड्रिल कह सकते हैं और उसके बाद में ये पता लग पाएगा कि अगर जब भी कोरोना वैक्सीन आएगी और टीकाकरण होगा लोगों का, सीनियर सिटीजन्स का और जो कोरोना बैरियर्स हैं उनका, तो उस समय क्या कठिनाइयां आने वाली हैं, उन सब खामियों को दूर करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। CMO मेरठ ने ये जानकारी दी है कि मेरठ के 3 बड़े स्थानों पर 3 बड़े मेडिकल सेंटर हैं जिनमें सुभारती विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज शामिल है और LLRM मेडिकल कॉलेज शामिल है। इसके अलावा एक जाकिर कॉलोनी जगह है, वहाँ पर ये शहर में 3 जगह पर ये ड्राई रन आज चलने वाला है। इसी तरीके से दोराला और माछरा और इसके अतिरिक्त एक और जगह है, वो सब 3 जगह जो है वो देहात के क्षेत्र में आएंगे। यानी कि मेरठ में तैयारी पूरी है नरेंद्र, अब झांसी में क्या कुछ है, कितने पॉइंट वहां पर तैयार किए गए, कहां कहां इस ड्राई रन को किया जाएगा झांसी में, असल जहां डिटेल में बताइए। देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी पूर्णतः तैयारी कर ली गई। झांसी में जैसे कि 6 जगह रखा है, जैसे कि 4 ग्रामीण, 3 ग्रामीण क्षेत्र में और 3 शहरी क्षेत्र में। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में होगा ड्राई रन और इसके बाद जिला अस्पताल में होगा और इसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेज में, या और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो चिरगांव, बबीना और बरगुआ सागर में होगा। पूर्णतः तैयारी CCTV कैमरे की निगरानी में होगा, तमाम जो अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो उसको देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ड्राई रन की बात करें तो झांसी शहर में लोगों में चर्चा का विषय बना है कब कोरोना वैक्सीन आएगी और इन तमाम लोगों को लगेगी। लेकिन पूर्णतः तैयारी हो चुकी है, आज 10 बजे से यह की शुरुआत हो जाएगी। जी, तो अब झांसी के बाद सीधे चलेंगे फिरोजाबाद। जितेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मेरठ और झांसी तो तैयार है आज ड्राई रन के लिए, फिरोजाबाद कितना तैयार? देखिए शिवांगी, जिस तरह शासन के निर्देश हैं कि 75 जिले और 600 स्थान, यानी कि फिरोजाबाद में 3 ग्रामीण इलाके और 3 शहरी स्थानों में ये ड्राई रन होगा और जैसा नरेंद्र सर ने बोला कि मॉक ड्रिल की तरह रहेगा पूरा। इसमें जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वही मरीज बन के आएंगे कोल्ड स्टोर से और जो पॉइंट है वहाँ तक किस तरह वैक्सीनेशन किया जाए, क्या क्या
प्रक्रिया रहेंगी, कोई वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही ना हो, इन सब चीज़ों पर पहलुओं पर ध्यान रखा जाएगा। जिलाधिकारी, सीएमओ और पुलिस विभाग के अधिकारी भी यहां मौजूद रहेंगे, क्योंकि पुलिस की सुरक्षा की दृष्टि से अत महती आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में इसे ड्राई रन कहा जा रहा है, और ट्रायल की शुरुआती तौर पर कोई व्यवधान ना हो, कोई परेशानी ना हो, इन सब पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। शिवांगी, तो अब सीधे चलेंगे लखनऊ संजय के पास। संजय, लखनऊ से हर एक जिले में नजर होगी आज सीएम की, खुद क्या कुछ आप देख पा रहे हैं लखनऊ में इसकी तैयारियों को लेकर? बिल्कुल शिवांगी, बताऊं मैं आपको कि लखनऊ में 3 तारीख को इसके पहले भी ड्राई रन हुआ था, वो पूरी तरीके से सफल रहा था, लेकिन इस बार जो एरिया है वो बढ़ाया गया है। अब की बार 12 सेंटर बनाए गए हैं, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है। इन 12 सेंटरों में को लेकर के, चूंकि कमिश्नर पुलिस लखनऊ में है, तो पुलिस के अधिकारी, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी और जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। बाकायदा जहाँ से वैक्सीन ट्रायल आना है ड्राई रन के लिए, वहां पर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है, चाहे फिर मेडिकल कॉलेज हो, आरएमएल हो, लोक बंधु हो, सिविल हो, ऐसे तमाम रूरल के कई सेंटर हैं पीजीआई के साथ में, जहां पर बकायदा ड्राई डे जो रन है वो 10 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक होगा। लगातार जो स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं, सीएम की भी पूरे सूबे में, चूंकि सूबे के सभी जनपदों में आज पूरे 1 साथ ड्राई रन किया जा रहा है, तो उन पूरी तैयारियों पर नजर बनी हुई है कि कहां खामियां रह जा रही हैं। अगर जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर और काम करने की जरूरत है, तो उन तमाम चीजों को लेकर के बिंदु जो है आज देखे जाएंगे इस ड्राई रन के दौरान। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन हो रहा है और हर एक जिले में आज उत्तर प्रदेश की तैयारी पूरी है, प्रदेश भर में आज ड्राई रन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम खबरों को